ऐसा पति। कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ रहे, क्योंकि सास की छिक छिक किसे पसंद है। एकता की सास साथ नहीं रहती, सिर्फ पति और वो। लेकिन क्या है एकता की जिंदगी बिना सास के, देखिए। अरे एकता क्या है, रोज लेट उठती हो, कभी तो वक्त पर उठा करो। हाँ लेकिन उठना क्यों है वक्त पर, आज तुझे तो उठ जाती हूँ मैं। देखो एकता ये नहीं चलेगा, सुबह 6 बजे उठा करो, खाने में थोड़ी वैरायटी बनाओ और घर को साफ सुथरा रखो ना। अरे अरे अरे, जो मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो? क्या मेरा घर गंदा रहता है? कितना साफ रखती हूँ, खाने में भी हमेशा मैंने अच्छी चीजें बनाई है, अब फिर ये 6 बजे उठने की जिद क्यों? देखो मैं नहीं जानता, बस 7 बजे तक घर के मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। एकता बिचारी करती भी क्या, पति की बात माननी भी तो जरूरी होती है। एक दिन एकता सुबह पूजा करके पति को प्रसाद देने कमरे में जाती है, तो पति अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, मैंने तो साफ बोल दिया, सुबह 6 बजे उठना है, नहा कर ही किचन में जाना है और 7 बजे तक मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। आ रही होगी चाय लेकर, चलिए मैं रखता हूँ माँ, बाय। बेचारी एकता ने पति का ये रूप तो सोचा ही नहीं था। वो पति से कहती है, सुनिए अब सारा काम हो चुका है घर पर, क्या करो, मुझे कुछ देर के लिए मेरी सहेली सौम्या उसके घर छोड़ दीजिए। अरे कैसे बात करती हो, कि घर पर कुछ काम करने को नहीं है? होली आ रही है, बाजार से आलू ले आओ, पापड़ बनाओ, नमकीन बनाओ, दही बड़े बनाओ, सब कुछ आज ही बनाना है। अरे अब मन कर रहा है कि सहेली के घर जाऊं, तो जाऊंगी ना मैं, आप नहीं ले जाएंगे तो कैब से चली जाऊंगी। अरे अरे ये क्या बात होती है, चलो ले जाता हूँ तुम्हें, तैयार हो जाओ जल्दी से। कैब की धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे माँ ने दरवाजे में कैब खड़ी कर रखी हो, विथ ड्राइवर। बढ़िया एक कैब वाले, हाय रे एकता की किस्मत। वो सोचती है कि सास साथ नहीं है, लेकिन पति के हाव भाव किसी अकड़ू सास से कम ही नहीं है। पति एकता को सहेली के घर छोड़कर कहता है, अच्छा सुनो वक्त पर घर चली जाना, और शाम को गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगा मैं, बनाकर पहले ही मत रख देना, और हाँ रायता भी बना लेना। हाँ जी हाँ, फिलहाल क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाश्ता पेट भर करा दिया, दोपहर का खाना भी पैक कर दिया, पहले जो खाया है उसे तो पचा लो, दिन का खा लो, अभी से रात के खाने की चिंता में बाल न जड़ जाए कहीं। पति को एकता की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऑफिस में देरी के कारण वो कुछ नहीं कहता। एकता सहेली के पास जाती है, जहाँ सास बहू बैठ कर गप्पे लड़ा रही होती है। हाय सौम्या। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह एकता बेटा, बड़े समय बाद देखी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, घर का सारा काम हो गया था, बोर हो रही थी, सोचा सौम्या से मिलती चलूँ। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग बैठ कर गप्पे लगाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। सास ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे एकता कैसे आना हुआ, थोड़ी परेशान सी भी लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे यार कहाँ ठीक हूँ, ना सोने मिलता है ना अपने मन का कोई काम करने मिलता है, बस सुबह 6 बजे से किचन और रात के 12 बजे तक घर का काम, मेरी तो कमर ही टूट रही है। अरे क्यों मजाक कर रही है, तेरे तो मजे हैं, अकेली रहती है पति के साथ, ना कोई सास ना ससुर ना आस पड़ोस से मतलब, हम लोगों की सोच जॉइंट फैमिली है, कितनी परेशानी होती है। अरे रहने देना, तू तो दिख रहा है कि कितनी परेशान है तू, सास किचन का काम कर रही है और तू सहेली से गप्पे, ऐसा कहाँ होता है यार। हाँ वैसे तो बोल तो सही रही है, सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना उठने में तो मम्मी जी किचन संभाल लेती है, पति तो जाते वक्त उठाते हैं कभी कभी मुझे। पर मेरी छोड़ तू बता, सास साथ रहने आ गई है क्या, जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, पति तो तेरा 10 बजे ऑफिस जाता है, 4 घंटा खाना बनाने में लग जाता है क्या तुझे एक लोगों का? अरे रहने देना यार, मेरा तो पति ही सास से कम नहीं है, सारा दिन का ड्रामा, अरे बातें सुनाना, बोलियां बोलना, कोसना, क्या क्या नहीं आता है उसे। यार मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये सास की आत्मा तो नहीं आ जाती ना इसमें, अरे परेशान हो चुकी हूँ। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से मेरी चुगली भी करता है।
बच गई। मतलब तेरे पति की गाड़ी चल यहाँ रही है, लेकिन रिमोट तेरी सास के पास ही है। अरे अब जो समझ, रिमोट है या कंट्रोल है। बस मेरा तो मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। सोच रही हूँ दो चार महीने के लिए मायके चली जाऊँ। क्या करेगी, दो चार दस महीने बाद तो आना ही है ना यहाँ पर। तो क्या करूँ, तलाक दे दूँ क्या? अरे ये कोई सलूशन नहीं है। तू अपने पति को सुधार भी दे सकती है। कैसे कैसे सुधारूं? सौम्या उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन एकता खुश हो जाती है। अगले रोज, हाय रे मेरी तो टांग ही नहीं चल रही है, आय 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 बहुत दर्द हो रहा है भगवान। अरे क्या हुआ एकता, रुको मैं माँ से पूछता हूँ। लेकिन पति जैसे ही माँ से बात करके एकता के पास आता है। क्या नौटंकी है ये, क्यों रो रही हो? अरे कोशिश करो ना उठने की, ये काम से बचने के लिए जो नाटक है ना बंद कर दो, वरना माँ आ जाएगी यहाँ पर। एकता की तो मानो मन मुराद पूरी हो गई। अरे हाँ हाँ तो बुला लो ना उन्हें, जल्दी से बुला लो, मैं चार पाँच दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। चल तो सकती नहीं हूँ, खाना पीना कैसे होगा। अब क्या था, सासू माँ आ जाती है एकता के घर। सासू माँ मुझे ये हमेशा बताते हैं कि आप कितनी हार्ड वर्किंग है। बस अब अगले 15 दिनों तक मैं आपको देखूंगी और आपकी जैसी ही बनूंगी। ये बता रहे थे कि आप 5 बजे सुबह उठ जाती हैं और अरे बेटा कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया तूने। अब नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि ये आपकी तरह तौर तरीके सीखे, जैसा आप मुझे बताती है ना। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा, कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एकता पूरी आपकी कॉपी बने, घर गृहस्थी आप ही की तरह संभाले। हैं? तो अब माँ जी यही है तो क्यों ना कैसे शुरू। लेकिन अगले दिन सास 9 बजे सोकर उठती है। बेचारा बेटा बाहर से खाना मंगा कर खाता है, शाम को घर आता है तो सारा घर बिखरा रहता है। अरे माँ ये घर इतना बिखरा क्यों है? अरे वो बेटा आज वक्त ही नहीं मिला किचन से, सुबह का नाश्ता दिन का खाना, अब रात को तो मेरा मन ही नहीं है कुछ बनाने का, तो बाहर से ही ले आ, या दिन का जो खाना बचा है ना वही खा लेना। ओ माँ इससे अच्छा तो एकता घर रखती है, भले ही आराम आराम से काम करती है लेकिन आज तक मुझे बासी खाना नहीं खिलाया। खुद तो तुम 9 बजे उठी हो, वो तो फिर भी 8 बजे उठती थी। अरे बेटा मेरे बस की नहीं है 8 बजे उठना, वो तो ना मैं झूठ बोल रही थी। मैं तुझे लिए अपने घर, अरे कम से कम तेरे पापा मुझे सुबह की चाय खुद तो बना कर देते है ना, ना जी ना मुझे नहीं रहना अपने बेटे के पास। ये बोलकर सासू माँ चली जाती है अपने घर और एकता की लाइफ फिर से सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरह।